मोदी सरकार की सत्ता में वापसी हो चुकी है और नई सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है। हालांकि अमित शाह की कैबिनेट में एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अब तो इन्हें गृह मंत्रालय का कार्यभार भी सौंप दिया गया है, जिसने देश के लेफ्ट लिबरल गैंग की नींद उड़ा दी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके मंत्रालय आवंटित किए गए। जहां राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का पदभार सौंपा गया। लेकिन जिन दो नामों ने सभी को हैरत में डाल दिया, वे थे पूर्व कूटनीतिज्ञ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमित शाह। जहां सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमित शाह के लिए गृह मंत्रालय कोई नई बात नहीं है, गुजरात सरकार में भी उन्हें गृह मंत्री का पद संभालने का सौभाग्य मिल चुका है। और बतौर गृह मंत्री उन्होंने गुजरात में आतंकवाद, दंगा फसाद एवं अवैध धर्म परिवर्तन की जटिल समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफलता प्राप्त की। जिस गुजरात की विकास नीति का दम भरते हुए नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता विजय हासिल की थी, उसकी नींव रखने में अमित शाह का भी बहुत अहम हाथ रहा है। ऐसे में जब अमित शाह को गृह मंत्रालय का पदभार सौंपा, तो देश भर में खासकर सोशल मीडिया जगत पर मिश्रित प्रक्रियाएं देखने को मिली। जहां एक तरफ राष्ट्रवादी खेमे में हर्षोल्लास का माहौल छा गया, तो वहीं लेफ्ट लिबरल खेमे के हाथ पांव फूल गए। अब हो भी क्यों ना, आखिर इस खेमे ने अमित शाह को घेरने और झूठे आरोपों में फंसाने का एक मौका नहीं छोड़ा था। चाहे वो मीडिया ट्रायल के तहत कोर्ट से पहले ही अमित शाह को बिना साक्ष्य के इशरत जहां सोहराबुद्दीन शेख जैसो के फर्जी एनकाउंटर के लिए दोषी ठहराना हो, या फिर एक स्थानीय महिला की जासूसी कराने के बेतुके आरोप साबित करना हो, लेफ्ट लिबरल खेमे ने मोदी शाह की जोड़ी का करिश्मा बहुत पहले ही पहचान लिया था और इसे तोड़ने का हर संभव प्रयास भी किया। कुछ हद तक इन्हें इसमें सफलता भी मिली, जब अदालत ने अमित शाह को लगभग 2 साल तक गुजरात से निष्कासित कर दिया था। हालांकि जल्द ही अमित शाह पर लगे आरोप झूठे साबित हुए और वो फिर से सक्रिय राजनीति में उतरे और अपनी नीतियों से भारतीय राजनीति की सूरत ही बदल डाली। अब इन सभी प्रपंचों के बाद भी जब अमित शाह ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, तो लेफ्ट लिबरल गैंग पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। राणा यू ने एक बार फिर देश के मतदाताओं को इसके लिए दोषी ठहराते हुए अपने ट्वीट में ये लिखा, यही नहीं, राणा अयूब ने तो अमित शाह को देश का द इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर तक घोषित कर दिया। राणा अयूब ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे अपने लेख में अमित शाह के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी कोई गुरेज नहीं किया। अयूब के अनुसार अमित शाह का गृह मंत्री बनना इस देश की संप्रभुता और धर्म निरपेक्षता के लिए खतरा है। राणा अयूब के डर को बढ़ावा देते हुए विवादित पत्रकार निखिल वागले ने भी इनकी हां में हां मिलाते हुए अमित शाह पर लगे बेतुके आरोपों को सिद्ध करने का असफल प्रयास किया। अमित शाह का नाम लिए बिना उन्होंने गृह मंत्री बनाने के निर्णय पर तंज कसते हुए प्रतीक सिन्हा ने यह ट्वीट किया कि जिस आदमी को एक औरत का जासूसी करने के लिए दोषी पाया गया है, वो आदमी अब देश का गृह मंत्री बनने जा रहा है। इनके अनुसार चूंकि अमित शाह गुजरात पुलिस को एक स्थानीय महिला पर जासूसी कराने के अवैध निर्देश दे रहे थे, इसलिए उनको गृह मंत्री नहीं बनना चाहिए। जनाब, यदि सो रहे हैं तो उठ जाइए, क्योंकि ये 2013 नहीं 2019 है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं ना, उसे अदालत झूठा करार दे चुकी है और जनता अब आपके प्रोपेगेंडा से अच्छी तरह परिचित है। पर बात यहां पर तो बिल्कुल नहीं रुकी। अलगाववादी नेता एवं प्रखर नक्सल समर्थक कविता कृष्णन के ट्वीट से यह साफ हो गया है कि अब लेफ्ट लिबरल गैंग की खैर नहीं। इनकी घबराहट इनके ट्वीट पे साफ झलकती है, जहां इन सभी ने अमित शाह को देश के लिए खतरा करार दिया है। यही नहीं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी एनकाउंटर के लिए ना सिर्फ दोषी ठहराया, बल्कि गुजरात के वसूली माफिया के सरगना के तौर पर संबोधित भी किया है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट लिबरल की इस बौखलाहट का सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर जमकर मजाक उड़ाया गया। जहां भाजपा प्रवक्ता तजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने इस कदम का स्वागत करते हुए लेफ्ट लिबरल गैंग को खैर मनाने की सलाह दी, तो वहीं फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने तो उनसे सीधे सीधे यही पूछ लिया कि मेरे प्यारे अर्बन नक्सलियों, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब सच बोलूं तो ये डर लाजमी भी है, क्योंकि अमित शाह का व्यक्तित्व इन लेफ्ट लिबरल्स के नापाक मंसूबों के आड़े आता है। खैर,
इनकी लाख कोशिशों के बावजूद अमित शाह के लिए जन समर्थन अब भी बरकरार है और अब तो उन्हें गृह मंत्रालय का पद भी सौंप दिया गया है। आशा करते हैं कि जिस तरह अमित शाह ने गुजरात को भयमुक्त किया था, उसी तरह ये भारत को भय और अपराध दोनों से मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे।